कांग्रेचुलेशंस, आज की जो पेंटिंग है बहुत अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा बताइए आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, शगुन निर्गुण क्या क्या है, और थोड़ा सा अगर पेंटिंग के बारे में आप लोग बताएं। मेरा पहला जो सीरीज था लाइट विद इन करके, उसमें मेरा पूरा एब्स्ट्रैक्ट काम था, लेकिन इस वक्त लगा कि कुछ अंदर से जैसे प्रेरणा है कि थोड़ा फिगरेटिव काम शुरू हो गया था मेरा, और वो हुआ भी ब्लैक एंड वाइट में। और हम जब बात कर रहे थे कि इसका टाइटल क्या रखेंगे, तो इनका जो स्टाइल है काम का और मेरा स्टाइल, तो बातों बातों में हमें लगा कि सगुन निर्गुण टाइटल अच्छा रहेगा। और आप देख रहे हैं कि उनका जो एकदम कलरफुल सगुण और निर्गुण ये जो शब्द है वो बताते हैं कि जो निर्मिति है वो कलरफुल भी है और ब्लैक एंड वाइट भी है। वैसे देखा जैसे देखेंगे वैसे है, आप जिस नज़रिए से देखेंगे उस तरह से आपको सब दिखाई पड़ता है। तो मेरे पेंटिंग्स में जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो मेरा जो पहला काम था उसमें एक लय, एक रिदम था, एक गति थी, वो गति इन पेड़ पौधों में उनके पत्तों में आपको दिखाई देगी। तो एक तरह से ये एक खोज है, जो आंतरिक खोज भी बोल सकते हैं आप उसको, जो हम बाहर भी खोजते हैं, तो इसका एक व्यक्त रूप मेरे पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। तो आगे का आशुतोष बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आज की जो बेसिकली इट्स सगुण निर्गुण इज अ कॉन्सेप्ट फॉर द ओमनीपोटेंस, फॉर द गॉड, एक्चुअली भगवान के लिए वो हम बोलते हैं। बट व्हाट इज द पेंटिंग? पेंटिंग एक्चुअली इट्स सगुण मीन्स व्हाट इज टैंजिबल, स्टिल द कंटेंट इन इट इज इनटैंजिबल, इज़न्ट इट? हम सब में भगवान है, हम कहते हैं निर्गुण तो हम में भी है और हम सगुण भी है, क्योंकि हम दिखते तो है। जब पेंटिंग हम कैसे किस तरह से, क्योंकि दिखना कुछ है, जब दिखता है दैट इज अ सगुण। और इन बहुत हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोनों का भी, शीज जनरली ज़्यादातर वो अध्यात्म में है और वापस पेंटिंग में तो है। अगेन शी इज़ अ पोएट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ पोएट और ड्रामेटिशियन और एंड इज अ पेंटर ऑल्सो। सो वो सोचते सोचते हमारे दिमाग में ये आया कि यस, इट्स देखो पेंटिंग मतलब क्या होता है कि बड़ा पहाड़ है वो भी छोटे पेंटिंग में रह जाता है और छोटा पत्थर भी पेंटिंग में आ सकता है। सो पेंटिंग ये है कि इट कैन ग्रास्प एनीथिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ द ओमनीपोटेंस, लाइक अ गॉड ओनली कैन, इट कैन इन सर्कल, कैन सबको साथ में ले सकते हैं, दैट्स अ पेंटिंग। और दिखता है कलर, दिखता है ब्लैक एंड वाइट, दिखता है लाइन, दिखता है, बट एक्चुअली इन इट बिहाइंड द कैनवास व्हाट इज इट? मैम आप क्या कहना चाहेंगे इन पेंटिंग्स के बारे में, और जो इन्होंने अपने पूरे अनुभव के साथ यहाँ पर लोगों के सामने प्रेजेंट किया? पहले तो इन दोनों को बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा एग्जीबिशन करे हैं, मतलब स्पेस के हिसाब से उन्होंने ये एग्जीबिशन बनाया है, और वो अच्छी चीज़ होती है एक आर्ट गैलरी के लिए। ये गैलरी तो बहुत ही क्यूट, अच्छी जगह है, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया है, बहुत सोच के बनाया है ये काम, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अच्छा लगा कि ये एक सरप्राइज़ देता है, मतलब एकदम अचानक ऐसे जैसे तुम वॉक इन करते हो, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये एग्जीबिशन। राइट, आप दोनों से जाना चाहूँगा मीनाक्षी मैम, आशुतोष सर, कि क्या इंस्पायर किया आपको, इंस्पिरेशन क्या था इन पेंटिंग्स के पीछे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ आप? हाँ, मैं भी मैंने आज ही फेसबुक पे मेरी एक पोस्ट डाली है, उसमें मैंने लिखा है, जैसे आशुतोष जी ने बताया कि मैं कविता लिखती हूँ, तो ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, जो इसको रिलेट करता है अच्छी तरह से, और जो आपने प्रेरणा पूछी इसके पीछे की, तो हम कुछ भी माध्यम में काम करें, वो ड्रामा हो, पोएट्री हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, हम क्या कुछ ना कुछ हम ढूंढ रहे हैं। उसको मराठी में बोलते, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बोला है प्रकाश, ज्ञानाचा प्रकाश। तो मैंने आज वो वर्डिंग जो डाला है वो आपको बताती हूँ। मागे पुढे आहे ज्ञानाचा उजेड, आगे पीछे हमारे ज्ञान की आभा है, प्रकाश है, वो ज्ञान तत्व सब जगह व्याप्त है, जैसे इन्होंने बोला ओमनीपोटेंट, ऐसे वो तत्व है जो ज्ञान तत्व है। अंगणात झाड़ कैवल्यासे, हम सब लोग ऐसे अवस्था में जी सकते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल सकता है, हमारी कला के माध्यम से हम कुछ भी करें। ये जो मेरे सीरीज में आपको जो वृक्ष दिखाई दे रहा है वो जैसे कैवल्य का प्रतीक है,
मागे पुढे आहे आनंदाचे झाडं, ज्ञानाचा प्रकाश, कैवल्याचं झाड, अंगणात आगे का शब्द बहुत सुंदर आहे. उजेडी राहूया उजेड होऊन, देखे तो सब लाइट है, ओमनीपोटेंट जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो तत्व की, वो इतना सुंदर प्रकाशमान है कि वो सभी जगह व्याप्त है. वो रंगों में है, रंगों में नहीं है. ये प्रेरणा है ऐसी कुछ ये वृक्ष के माध्यम से व्यक्त करने की. आशुतोष सर, आपके लिए बेसिकली 10.33 नाम का एक भगवत गीता में एक श्लोक है. वहाँ पर कृष्ण को जब अर्जुन पूछता है कि कैसा है इस जग में परमात्मा, हाउ इज, सो ही सेज अक्षराणाम अकारोस्मी, जैसा अक्षर में अ है वैसा मैं हूँ. अब कोई भी भाषा में कोई भी लो, क में अ आएगा, ख में अ आएगा, आ में अ आएगा, हर कोई लेटर में अ रहेगा ही रहेगा. इजंट इट्स लाइक दैट कि भगवान सब में है, सो हर कलर सब में ही है. और अक्षर ये ऐसी बात है कि इट इज सगुण है, बट इफ यू कैन रीड, इफ यू कैनॉट रीड देन इट्स ओनली द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. अभी जापनीज में आपके सामने रखा, तो व्हाट यू थिंक, इट्स जस्ट कुछ तो सिंबल है या कुछ तो लिखा है, यू कैन से लाइक दैट ना. पढ़ सकते हैं तो है, मतलब अक्षर जब पढ़ सकते हैं तो अक्षर है, सुन सकते हैं तो गाना है, देख सकते मतलब दिखता तो है, दिखना और देखना में फर्क है. यदि देख सकते हैं तो चित्र है, और महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील, देयर ओनली गॉड इज देयर, अदरवाइज ईश्वर भी नश्वर है. सो शगुन निर्गुण की तरह क्या हमें और भी कोलैबोरेशन या फिर प्रोजेक्ट्स आप लोगों के देखने मिलेंगे? अगर उस बारे में कुछ प्लान किया आप लोगों ने, अगर शेयर करें. बेसिकली क्या है कि हम ये सारे जो है, वृंदा इज द चेयरमैन ऑफ दिस गैलरी. ये गैलरी बहुत पुरानी है, आर्टिस्ट सेंटर, मतलब आरा और वो जो थे 1947 में उन्होंने शुरू किया था गैलरी. मतलब स्पेस अभी चेंज हुआ, स्पेस अभी खुला हुआ थे, तो हम सारे जो कमेटी के जो सारे लोग मेंबर थे बेसिकली, उन्होंने सोचा कि नहीं हमें गैलरी जो ही आर्टिस्ट सेंटर जो हमारी परंपरा है बेसिकली, वो हमें जीवित रखनी है. तो हम साथ में हैं, एंड देन मीनाक्षी और राजेंद्र जो है, उन्होंने क्या किया, ये स्पेस ओन किया, खुद का उनका स्पेस है, और उन्होंने आर्टिस्ट सेंटर के लिए, मतलब शोज के लिए, आर्टिस्ट सेंटर के लिए कुछ पीरियड के लिए ऐसा आर्टिस्ट सेंटर को दे दिया ये स्पेस, मतलब कि यहाँ पर हम शो कर सकते. सो हम लोग सारे उस कमेटी के, तो हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी कि अभी ये रन करना चाहिए. स्पेस मिला है, इजंट इट, सो हमारा शो हमने लगाया, बट नॉट हमारा ज़्यादा चल का. अभी नेक्स्ट शो हमारा आ रहा है, मानसून शो आ रहा है. हम लोगों ने क्या किया कि महाराष्ट्र के चार विभाग के, चार या छः से, जो जैसा नासिक है, नासिक में जलगांव है, खिरोदा, ये सारे उसमें से वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर गिने चुने 1 जुलाई से यहाँ पर एग्जीबिशन कर रहे हैं. फिर उसके बाद कोल्हापुर के स्टूडेंट्स 1 हफ्ता करेंगे, वहाँ के गिने चुने. सो पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स आएंगे, और ये सारा नया यूथ है. इस तरह से अलग 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 कुछ होगा, जिसमें हमारा 27 तारीख को संजय सावंतकर, स्वीटी सावंतकर के आर्टिस्ट है, तो वो लोग गायतोंडे के ऊपर यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने वाले, या कुछ सीरीज लेक्चर, जन्म शताब्दी है गायतोंडे, तो इसके ये सब वो करने वाले. बीच में कोई अर्चना सावंत और एक है, वो गाना गाने वाले, जो आर्टिस्ट है लेकिन गाना गाने वाले. तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम की जीवित रखना है, बेसिकली आर्ट जीवित रहे. देखो, साक्षर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, साक्षरा का विपरीत होता है राक्षसा. सुसंस्कृत होना इम्पोर्टेंट, सुसंस्कृत होने के लिए समाज में कला की चाहिए. सो कला की ज़्यादा से ज़्यादा कला की प्रेरणा है, कला ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो जाए. इस तरह से जो भी हो, हम आर्टिस्ट सारे लोग उस तरह से काम करने की सोच रहे हैं. इसी बहुत सारी एक्टिविटीज अभी आगे चलेगी इधर. I am very happy today because with this exhibition by two renowned artists, Meenakshi and Ashutosh ji, it really enhances our faith that the Artist Center will continue its legacy, because Artist Center has played a very important role in Indian heart. And see the way this exhibition has been thought about, because if you see this Ashutosh ji's work, these are alphabets which he has used, but when you don't know the language, the alphabet becomes abstract.
So his work is really amazing, which transcends and which is kind of combined. It's a visual, realistic, at the same time it's abstract. And I have been observing Meenakshi ji's work also for quite long. And for the first time I'm seeing her work in realistic form. And what is more in the art is your own feeling. So when I look at these trees, they are not merely trees, but I can see the feelings behind the trees. Like if you see at this tree, then you see, you feel it's very happy. Otherwise, another tree, you see that it is thinking. So I'm really happy with this exhibition. And I'm sure that the Artist Center will continue its work and will provide platform to all the incoming and budding artists and senior artists. Thank you. अरोड़ा, I'm an art promoter. Art, as an art promoter, जब मैं ये artist center में first time आई हूँ, मतलब अंदर vibes ही कुछ अलग है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है art को देख के. And even जो सर का theme है, सगुण और निर्गुण, जैसे कि सर ने बताया अभी कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलरफुल गो साइड बाय साइड, जैसे अभी कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई तो भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट थीम अच्छी लगती है, किसी को कलर अच्छी लगते हैं. तो सर ने ये जो कॉम्बिनेशन किया ना एब्स्ट्रैक्ट और अक्षरों का, वंडरफुल थीम. एंड एज एन आर्ट प्रमोटर मेरा ये वादा है कि आर्टिस्ट सेंटर का जो भी एग्जीबिशंस हैं, ज़रूर मैं भी यहाँ पे आर्टिस्ट को प्रमोट करूँगी कि हाँ यहाँ पर आकर एग्जीबिशंस करें, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइम प्लेस ऑल्सो. और जो ये टीम है पूरी आर्टिस्ट सेंटर की, दे आर द यू नो द गुड पीपल, द ग्रेट पीपल. हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है आर्ट फील्ड को इस, तो इसीलिए स्पेशली आज मैं आई थी यही देखने के आर्टिस्ट सेंटर कैसा है ना. एंड आई एम अमेज्ड, और हम ज़रूर यहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशंस करेंगे. थैंक यू सो मच.